ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని ఘజియాబాద్ లో సిఐఎస్ఎఫ్ వార్షికోత్సవంలో ప్రధాని మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. अब तक केंद्रीय पुलिस बल के 4000 से अधिक शहीदों सहित पुलिस के 35000 से ज्यादा साथियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है. मैं इन सभी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं. लेकिन मैं इन सुरक्षा बलों से जुड़े लोगों से कहना चाहूंगा, मैं मन से इमोशनली मैं फील करता हूं कि खाकी वर्दी में जो लोग हैं उनकी मेहनत को देश में जितना मान सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिला है. जितनों उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए सामान्य मानवी के द्वारा वो नहीं हुआ है. और इसलिए आजादी के बाद पहली बार लाल किले पर से एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने 35000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों के शहादत की वकालत की थी. ये मुझे करने का इसलिए हुआ क्योंकि सामान्य मानवी को मालूम नहीं है. और उसके दिमाग में तो एक कांस्टेबल ने उसके साथ क्या व्यवहार किया उसी के आधार पर इस पूरी व्यवस्था का वो मूल्यांकन करता है. हम जितना गौरव बढ़ाएंगे, हमारे इन सुरक्षा बलों का जितना सम्मान बढ़ाएंगे, इतनी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, ये देश के लिए बहुत आवश्यक है. और उसी का एक हिस्सा है ये पुलिस मेमोरियल बनाना. और मैं चाहता हूं हर स्कूल का बच्चा कभी न कभी वहां जाना चाहिए, देखे तो सही कि हमारे लोग मरने वाले लोग कौन थे, जरा जाने तो सही. और इसी दिशा में हमें निरंतर प्रयास करना है. कितना ही बड़ा त्याग, कितनी बड़ी तपस्या राष्ट्र रक्षा से जुड़े आप सभी लोगों का परिवार करता है, इसको शब्दों से बयान करना मुश्किल है. और मुझे खुशी हुई जब मैं यहां खुली जीप से जा रहा था, मुझे तीन पीढ़ी के दर्शन करने का मौका मिला. यहां आपके परिवार की तीन पीढ़ियां मौजूद है, वयोवृद्ध तपोवृद्ध लोग भी हैं आज इस अवसर पर यहां मौजूद है, कुछ पुराने सेवानिवृत्त लोग भी हैं, आज उनके भी दर्शन करने का मुझे मौका मिला. मैं इन सभी परिवारजनों को भी आदर पूर्वक नमन करता हूं क्योंकि इन परिवारों का त्याग बलिदान ही है जो इस ड्यूटी पर लगे हुए लोगों को काम करने की एक नई ताकत देता है. साथियों, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, आप अपने मोर्चे पर बिना विचलित हुए खड़े रहते हैं. देश के लिए होली, दिवाली, ईद हो, तमाम त्योहार होते हैं, लेकिन आप सभी के लिए अपनी ड्यूटी ही अपना त्योहार बन जाता है. हमारे सुरक्षाकर्मी का परिवार भी तो बाकियों की तरह ही होता है, उसके भी सपने हैं, आकांक्षाएं, उसकी भी आशंकाएं आशंकाएं होती हैं. लेकिन राष्ट्र रक्षा का भाव जब मन में आ जाता है तो वो हर मुश्किल पर जीत हासिल कर लेता है. जब किसी मासूम द्वारा तिरंगे में लिपटे अपने पिता को सलामी देने की तस्वीर सामने आती है, जब कोई वीर बेटी अपने जीवन साथी के जाने के दुख को, आंसुओं को